casting of object is used where you have received a reference to a parent class and you want to access the full functionality of the child class. In that cases we are using casting. The casting जो होता है वो दो तरीका का कास्टिंग होता है, एक है अप कास्टिंग, एक होता है डाउन कास्टिंग। तो नॉर्मली जो डाउन कास्टिंग है हम यूज करते हैं जब हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और रेफरेंस देते हैं चाइल्ड क्लास को, और चाइल्ड क्लास का अगर आप पूरा फंक्शनैलिटी कॉल करना चाहते हो तो वहां पर हम ये कास्टिंग यूज करते हैं। ओके, सो बेसिकली दिस कास्टिंग इज यूज in this purpose, like we are creating a object of parent class and we are giving a reference to the child class. Through that object, if you want to call all the functionality of the child class, then we are use casting. Normally casting mein kya hota hai, ek class ka hum object banate hain, hum dusra class ko reference dete hain. To yahan par hum एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको बोला जाता है इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड। इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड किसलिए यूज कर किया जाता है ना, इट इज यूज टू टेस्ट द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आप जो क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो चाइल्ड क्लास को रेफरेंस दे रहा है और इट इज गिविंग ए रेफरेंस टू द पेरेंट क्लास। फॉर चेकिंग दैट वी आर यूजिंग दिस यू आर यूजिंग इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड। इंस्टेंस ऑफ ऑलरेडी वी डिस्कस इन द जावा फर्स्ट पार्ट, जो ऑपरेटर में इंस्टेंस ऑफ इज वन ऑफ द ऑपरेटर। बेसिकली वी आर यूजिंग दिस ऑपरेटर टू चेक द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स वेदर योर ऑब्जेक्ट इज गिविंग अ रेफरेंस टू विच क्लास। टू चेक दैट वी आर यूजिंग इंस्टेंस ऑफ। चेक फॉर प्रॉपर कास्टिंग यूजिंग द फॉलोइंग गाइडलाइन। कास्ट अपवर्ड इन द हायरार्की आर डन इम्प्लिसिटली। डाउनवर्ड कास्ट मस्ट बी सब क्लास एंड चेक बाय द कंपाइलर। तो अभी मैं आपको लिखकर चलता हूँ कैसे आप इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हो। So here we are using class employee, then class manager extends from employee, then class director again extends from employee. Okay, class employee, manager extends from employee, director extends from employee. Employee parent class है, तो यहाँ पर जो child class है एक है manager, एक है director, ये सब एक्सटेंड हुआ है एम्प्लॉय क्लास। फिर मैं एक क्लास बनाया, वो जो क्लास है चेक इंस्टेंस। चेक इंस्टेंस और एक क्लास है जिसमें से एक फंक्शन है रिएक्ट फंक्शन, पब्लिक वर्ड रिएक्ट एम्प्लॉय ई एक फंक्शन है। यहां पर रहेगा ई इंस्टेंस ऑफ मैनेजर। मतलब देखो मैं एक एक सेक्शन में जा रहा हूँ। पहले देखो यहाँ पर एक क्लास है एम्प्लॉई, यहाँ पर और एक क्लास है मैनेजर। मैनेजर हो गया चाइल्ड क्लास, और जो एम्प्लॉई क्लास से एक्सटेंड हुआ है यहाँ पर डायरेक्टर हो गया चाइल्ड क्लास, एक्सटेंड हो गया एम्प्लॉई क्लास। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और एक क्लास है यूज इंस्टेंस ऑफ। यूज इंस्टेंस ऑफ इज अनदर क्लास।
यहाँ पर, और एक क्लास है यूज इंस्टेंस। इसमें क्या है ना, हम चेक इंस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चेक इंस्टेंस यूई इक्वल्स टू न्यू चेक इंस्टेंस। तो यहाँ पर हमने चेक इंस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। चेक इंस्टेंस किसका क्लास है, ये वाला क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया यूई। ये जो यूई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के मदद से हम रिएक्ट फंक्शन, जो ये जो फंक्शन है क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको एक्सेस करने के लिए पहले हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया चेक इंस्टेंस यूई, ओके इक्वल्स टू न्यू चेक इंस्टेंस। एम्प्लॉई ओबी इक्वल्स टू न्यू डायरेक्टर, एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस दे दिया डायरेक्टर क्लास को। तो यूई डॉट रिएक्ट, मैंने रिएक्ट फंक्शन को कॉल किया, इधर रिएक्ट फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ। लेकिन जब हम रिएक्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पर पैरामीटर है, एक एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट एक पैरामीटर है। तो यहाँ पर वैल्यू हम कैसे पास करेंगे ना, ये जो ओबी ऑब्जेक्ट है, ओबी ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करेंगे। तो ये जो ओबी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। ओबी किसको रेफरेंस देगा, ई में रेफरेंस देगा, यहाँ पर स्टोर होगा। अभी वो चेक होगा ई इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर, तो इससे पहले हमको दिखना पड़ेगा ये जो ओबी ऑब्जेक्ट है वो किसको रेफरेंस दे रहा है। ओबी ऑब्जेक्ट है, हम एम्प्लॉई क्लास का, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन रेफरेंस दे रहे हैं किसको ना, डायरेक्टर क्लास को रेफरेंस दे रहे हैं। जब हम डायरेक्टर क्लास को रेफरेंस दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये चेक होगा ई इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर, नो, ई इज द इंस्टेंस ऑफ डायरेक्टर, यस। तो यहाँ पर आपको शो करेगा दिस इज डायरेक्टर, तो आपको दिस इज डायरेक्टर करके वैल्यू शो करेगा। ओके, सो इन दिस वे इट इज कॉल्ड। तो आई रन द फाइल नाउ, यू इज द इंस्टेंस ऑफ डायरेक्टर, तो यहाँ पर कंडीशन चेक हुआ, तो यहाँ पर ट्रू होगा तो ये दिखाएगा दिस इज डायरेक्टर। मैं इस पर रन करता हूँ प्रोग्राम। Okay, so it is showing you this is director. तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉई ओपी इक्वल्स टू न्यू डायरेक्टर, मैं इसको कमेंट एंट्री देता हूं। मैं अभी इसको रन करूंगा, तो ये जो ओबी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सेम चीज, ये ओबी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर इनिशियलाइजेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पर चेक होगा ई इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं मैनेजर क्लास का, तो ये वाला कंडीशन आपका ट्रू हो गया। तो यहाँ पर आपको शो करेगा दिस इज मैनेजर। तो अगर हम रन करते हैं, तो लिखा है दिस इज मैनेजर। लेकिन मैं और एक काम करता हूँ, इसको भी कमेंट दे देता हूँ। तो मैं डायरेक्ट इसको रन करता हूँ, एम्प्लॉई ओपी इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस भी वही एम्प्लॉई क्लास को दे दिया। तो अभी इसको रन करने से वो क्या दिखाएगा,
ठीक है, दिस इज एम्प्लॉय. सो इन दिस वे वी आर कॉलिंग द ऑब्जेक्ट. ओके, सो एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? इंस्टेंस ऑफ आदित्य, पांसो, आयस, पिंकी, नसीम? नो सर. नो सर. रिपीट करिए. समझ में आ रहा है तो आदित्य सर ये रिपीट कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल सी डेटा हियर वी आर क्रिएटिंग ए पास. वी डिफाइन ए क्लास, एम्प्लॉय क्लास. देन वी डिफाइन मैनेजर क्लास. मैनेजर क्लास इज अ चाइल्ड क्लास. आज वी आर यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय. डायरेक्टर एक्सटेंड्स फ्रॉम एम्प्लॉय. सो टू चाइल्ड क्लास वी डिफाइन. One is manager, another is your director. Now we define a check instance class. In check instance class, we define a React function, public void React function. React function is a user defined function. इस function के अंदर हम parameter देते हैं employee e. Employee e we call as the parameter. एक parameter किसका parameter है? Employee class का object आज ए parameter दिए. तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर हम इंटीजर पास कर रहे हैं तो इंटीजर का वैल्यू हम देंगे. अगर हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो रेफरेंस भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा. तो यहाँ पर रेफरेंस भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा. तो यहाँ पर एम्प्लॉई ई आज ए रेफरेंस हमने पास किया. तो यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्ट फंक्शन है, ये रिएक्ट फंक्शन कैसे कॉल होगा ना? रिएक्ट फंक्शन इज प्रेजेंट इनसाइड चेक इंस्टेंस क्लास. ओके, तो पहले मैं चेक इंस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. चेक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट हो गया यूई इक्वल्स टू न्यू चेक इंस्टेंस, इसका ऑब्जेक्ट बन गया. इसके बाद मैंने क्या बनाया? एम्प्लॉई ओबी इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. रेफरेंस दे दिया एम्प्लॉई क्लास को, ये ऑब्जेक्ट ओबी रह गया. और ये जो चेक इंस्टेंस क्लास है यूई, ये जो यूई ऑब्जेक्ट के मदद से मैं रिएक्ट फंक्शन को कॉल किया. किसी भी क्लास का, क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए पहले उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. तो यहाँ पर मैंने चेक इंस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यूई डॉट रिएक्ट. तो मैंने रिएक्ट फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया. जब मैं रिएक्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ तो यहाँ पर क्या है ना, ओबी ये जो एम्प्लॉई ओबी है, ओबी एज अ पैरामीटर मैंने पास किया. ये ओबी कहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा ना? यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा. ओबी चेक होगा ई इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर. नो, ये जो ओबी ऑब्जेक्ट है किसको रेफरेंस दे रहा है? एम्प्लॉय क्लास को. तो यहाँ पर चेक होगा ई इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर. नो, ई इज द इंस्टेंस ऑफ डायरेक्टर. नो, तो एल्स पार्ट में ये आपको दिखाएगा दिस इज एम्प्लॉय. अगर मैं यहाँ पर इसको रन नहीं करके इसको कॉमेंट में दे देता हूँ, मैं इसको अगर रन करूंगा एम्प्लॉई ओबी इक्वल्स टू न्यू मैनेजर, मतलब मैं एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस दे दिया मैनेजर क्लास को. ये जो ओबी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मैंने पास किया ओबी, यहाँ पर आ गया ओबी यूई डॉट रिएक्ट ओबी. तो ये जो ओबी है यहाँ पर आकर चेक होगा एम्प्लॉई ओबी, यहाँ पर चेक होगा ई इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर. नो, तो ई इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि मैं एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस दे दिया मैनेजर क्लास को. तो ओबी इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर. तो ये आपको शो करेगा दिस इज मैनेजर करके शो करेगा. तो आपका आउटपुट आएगा दिस इज मैनेजर. तो अभी ये प्रोग्राम अगर हम रन करेंगे तो ये जो आउटपुट आया था आपका दिस इज मैनेजर, ये आपको दिखाएगा. फिर अगर मैं इसको कॉमेंट में डालकर, मैनेजर को कॉमेंट में डालकर अगर मैं ये जो डायरेक्टर है इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एम्प्लॉई ओबी इक्वल्स टू न्यू डायरेक्टर यूई डॉट रिएक्ट, रिएक्ट फंक्शन को कॉल किया, ओबी एज अ पैरामीटर मैंने पास किया. तो ओबी जब मैं पैरामीटर में पास करता हूँ तो यहाँ पर चेक होगा ई इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर. नो, ई इज द इंस्टेंस ऑफ डायरेक्टर. नो, ई इज द इंस्टेंस ऑफ डायरेक्टर. यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि हम डायरेक्टर क्लास को रेफरेंस दे रहे हैं. तो ये आपको दिखाएगा दिस इज डायरेक्टर. ओके आदित्य.
सर यस सर क्लियर तो नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर अबाउट वेरिएबल आर्गुमेंट वेरिएबल आर्गुमेंट इज व्हाट Variable argument or variable argument is a feature. It provided by Java Standard Edition 5.0 onwards. 5.0 से लेकर अभी तक हम a variable argument use करते हैं. It helps you to pass the variable number of argument of the same type as parameter to a method. I will make it simple. Suppose I define here class demo. So in the demo function, if I define void display, if you define here int a, that means you bound means when you are creating a main method. In main method, we are creating a object of class demo I equals to new demo. So I am creating a object of class. Okay, so through the object, when I call display function, I dot display function, object के मदद से हम function को call करेंगे. So as we are define int a integer a, तो मैं यहाँ पर 10 value pass करूँगा. If I pass 20, then it shows an error. The error हो जाएगा क्योंकि 20 यहाँ पर store नहीं होगा. तो variable argument ये बोलता है अगर यहाँ पर क्या होता है ना, अगर आप int a define करते हो तो सिर्फ and only one element you pass as a parameter. एक ही value हम as a parameter pass कर सकते हैं. अगर मुझे और एक वैल्यू यहां पर स्टोर करना है तो मैं यहां पर स्टोर नहीं कर सकता हूं. तो वेरिएबल आर्गुमेंट बोलता है अगर आपको ऐसा सिचुएशन है, आपको पहले से पता नहीं है आपका फंक्शन कितना पैरामीटर और कितना वैल्यू आज रन टाइम लेगा, सो दैट यू डिफाइन द वेरिएबल आर्गुमेंट. आप वेरिएबल आर्गुमेंट डिफाइन कर तो मल्टीपल वैल्यू यू कैन स्टोर, यू कैन पास एज ए पैरामीटर. आप मल्टीपल वैल्यू आज ए पैरामीटर के हिसाब से पास कर सकते हो. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी वैल्यू यू हैव टू पास टू ए मेथड, मेथड में आप कितना वैल्यू एट रन टाइम पास करोगे अगर आपको पहले से पता नहीं. जैसे कि हम शॉपिंग मॉल जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वहां पर हम ऑफर देखते हैं तो और कुछ एक चीज लेने के लिए गए थे लेकिन बहुत सारा चीज हम खरीद ली. सो दैट डजंट मीन आपको पहले से जो बिलिंग होगा, सपोज आपका शॉपिंग मॉल में 30 आइटम है तो आप गए तो एक कस्टमर दो आइटम खरीदा तो 30 आइटम का बिल आएगा, उसमें से सब में 28
जो आइटम है उसमें 00 यहाँ पर डालेंगे, और जो खरीदा उसमें ही आपका प्राइस टैग लगेगा। लेकिन क्या है, मैं एक आइटम खरीदा हूँ या दो आइटम खरीदा हूँ, लेकिन मुझे 30 आइटम का वहां पर प्रिंट आउट लग जाएगा मुझे, तो विच इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। तो ये बोलते हैं हम जितना खरीदेंगे उतना ही बिल हमको आएगा, और दूसरा आइटम का 0 भी नहीं चाहिए हमको, बस दो ही आइटम हमको दिखाएगा। तो वेरिएबल आर्गुमेंट इज सेइंग दैट अगर आपको मोर देन वन एलिमेंट एज ए पैरामीटर के हिसाब से लेना है तो आप वेरिएबल आर्गुमेंट डिफाइन करो। तो वेरिएबल आर्गुमेंट डिफाइन करने के लिए यहाँ पर INT और 3 सिंबल यहाँ पर यूज किया जाता है, 1, 2, 3 3 सिंबल हम यूज करते हैं। तो जब हम फंक्शन आई डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप जितना चाहे वैल्यू दे सकते हो, इट इज नॉट बाउंड। आप 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 100 दे सकते हो, 1000 दे सकते हो। सो ऑल द वैल्यूज आर स्टोर इन दिस। सो इट इज द बेनिफिट ऑफ द वेरिएबल आर्गुमेंट, नंबर ऑफ वैल्यू यू कैन पास एज ए पैरामीटर। ओके, सो दैट इज फॉर द वेरिएबल आर्गुमेंट। डिड क्लियर और इन डाउट? क्लियर सर। नसीम, यस, थैंक यू। सो आई शो यू इन प्रोग्रामेटिकली, देन यू अंडरस्टैंड इट एक्चुअल द प्रॉपर यूज ऑफ दिस वेरिएबल आर्गुमेंट। See there. So here we define a class var. So here we define a function name is summary, and here we define return type is int. So जो जितना function है हम void use करते थे यहाँ पर int use किए। तो function का जो return type है void के अलावा अगर कोई दूसरा return type आप use कर रहे हो तो ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैंने यूज किया INT सम आरे, फंक्शन का नाम हो गया सम आरे, तो यहाँ पर पैरामीटर हो गया INT, देन INT RS, ओके, INT 3 सिंबल देन INT RS, ये हो गया आपका वेरिएबल का नाम। तो अभी देखो हम ये जो भ्यार क्लास है, भ्यार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, व्यार VA इक्वल टू न्यू व्यार, देन INT SOM, एक वेरिएबल हमने पास किया INT SOM, SOM इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट SOM RA, मतलब मैं SOM RA फंक्शन को कॉल किया। जब मैं SOM RA फंक्शन को कॉल करता हूँ तो यहाँ पर कितना वैल्यू है, मतलब 700 वैल्यू है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो ये सारा वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, INT RA में स्टोर हो जाएगा। तो आज
मल्टीपल वैल्यू आर स्टोर इन ए सिंगल वेरिएबल तो इट बिकम्स एन आरे, एक आरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आरे में कन्वर्ट हो जाता है, एज यू नो दैट फॉर रिट्राइविंग ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द आरे वर यूजिंग हियर एनहांस फॉर लूप। तो यहां पर मैंने एनहांस फॉर लूप यूज किया। एनहांस फॉर लूप क्यों यूज किया जाता है? Now if you want to get all the element from the array, we are using enhance for loop for int i colon int arrays. तो ये जितना वैल्यू है वो सब आकर आपका i जो वैल्यू है वो i में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद जो रिजल्ट है मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, sum is equal to sum plus i, तो सारा वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जितना सारा आप नंबर पास कर रहे हो तो ये नंबर सब ऐड हो जाएगा। इधर ऐड होने के बाद ये आपको रिटर्न करेगा सम, क्योंकि हम int यूज कर रहे हैं तो जो भी फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है, अगर आप इंटीजर को छोड़कर और कोई void को छोड़कर और कोई रिटर्न टाइप आप देते हो तो ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। जब आपका वैल्यू रिटर्न होता है वो कहाँ पर स्टोर होगा? यहाँ पर सम में स्टोर होगा। तो यहाँ पर सम ऑफ द आरे, जितना वैल्यू हम 7 वैल्यू यहाँ पर पास कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम 7 जो वेरिएबल है यहाँ पास नहीं कर रहे हैं, हम एक ही जो 7 तो जो डेटा है वो एक ही वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो हम अभी रन कर रहे हैं, तो सम ऑफ द नंबर इज 280, इट इज शोइंग यू 280। सो एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? नो सर, नो सर। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ उपांशु, एटा बुझिए ना। Next is a subclass inherit all the method and variable from the superclass. Subclass inherit all the methods. Parent class में जो function है, जो variable है, तो subclass इसको access कर सकता है। लेकिन subclass doesn't inherit the constructor from the parent class. तो subclass जो parent class का जो constructor है उसको call नहीं कर सकता है और इसको यूज नहीं कर सकता है। तो सब क्लास इनहेरिट ऑल द मेथड एंड वेरिएबल फ्रॉम द सुपर क्लास, बट सब क्लास डजंट इनहेरिट द कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द सुपर क्लास। द टू वे टू इंक्लूड द कंस्ट्रक्टर आर, वन इज यूज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और राइट वन और मोर एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर or write one or more explicit constructor. तो subclass सारा method को use कर सकता है, subclass सारा variable को access कर सकता है parent class का, but subclass parent class का constructor को use नहीं कर सकता है। तो parent class का constructor को सिर्फ call कर सकता है। तो parent class constructor को call करने के लिए हम use करते हैं super method. By using of super keyword, we call the parent class constructor into the child class. Okay. लेकिन अगर जब आप parent class का constructor को child class में call करोगे तो child class का constructor का first line में
चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन में आपको सुपर कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अगर आपको पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर का पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में कॉल करना है तो चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन में हमको सुपर मेथड लिखना पड़ेगा। जस्ट लाइक व्हाट आई शो एग्जांपल, सपोज मैंने डिफाइन किया क्लास पेरेंट, पेरेंट के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, यहां पर हो गया पेरेंट, एक कंस्ट्रक्टर हो गया। तो अभी मुझे मैं यहां पर चाइल्ड क्लास, क्लास एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरेंट, तो अभी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यहां पर चाइल्ड, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्ट, ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया, उसका फर्स्ट लाइन में सुपर कीवर्ड लिखना पड़ेगा, तभी जाकर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है आईएनटी ए, आईएनटी बी, तो यहां पर अगर आप सिर्फ सुपर लिखोगे ये आपको एरर शो करेगा क्योंकि यहां पर पैरामीटर है। तो अगर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है तो सुपर कीवर्ड में आपको यहां पर वैल्यू पास करना पड़ेगा 20 एंड 30। सो इन दिस वे यू आर कॉलिंग द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इनटू द चाइल्ड क्लास। रिमेंबर इट, व्हेन यू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इनटू चाइल्ड क्लास, so in child class constructor first line you have to write super method, parent class जो child class का first line में हमको super method लिखना पड़ेगा। So I will show this program in the next class. So time nahi hoga. So tomorrow again I will discuss this same thing and show this program. Okay. So.